उदाहरण एक सरल कीजिए। पहला, 3 की घात 5 गुणित 9 की घात 4। हमें ज्ञात करना है 3 का घात 5 गुणित 9 का घात 4 बराबर 3 का घात 5 गुणित 9 को हम 3 का घात 2 लिख सकते हैं क्योंकि 3 * 9 का घात 4 बराबर 3 का घात 5 गुणित 3 का घात यहाँ घात जो है उनका गुणा होगा 2 * 4। यहाँ पे हमने घातों की घात का नियम लगाया है क्योंकि 1 का घात m का घात n बराबर 1 का घात m गुणित n। इसे कहते हैं घातों की घात का नियम बराबर 3 का घात 5 गुणित 3 का घात 2 * 8। अब यहाँ पे घातों का आधार 1 है, घातांक के आधार 1 है, तो हम आधार को एक बार लिखेंगे और घात को जोड़ देंगे। इसे हम कहते हैं गुणा का नियम। चूंकि 1 का घात m गुणित 1 का घात n बराबर 1 का घात m - n होता है बराबर 3 का घात 5 - 8 बराबर 13। यह उदाहरण का हल होगा। दूसरा, कोष्टक में 4 * 3 की घात 4 गुणित कोष्टक में 2 * 4 की घात 6। हमें ज्ञात करना है 4 * 3 का घात 4 गुणित 2 * 4 का घात 6 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 4 * 3 का घात 4 को हल करेंगे। तो घात जो है कोष्टक खुलने पर 4 के घात में 4 लगेगा गुणित 3 के घात में 4 लगेगा गुणित यहाँ पे घातांक में भाग का नियम लगाएंगे। जहाँ पे हम 2 * 4 का घात 6 को लिखेंगे 2 का घात 6 * 4 का घात 6। यहाँ पे हमने घातांक के 2 नियम का उपयोग किया है। AB का घात m बराबर 1 का घात m गुणित B का घात m। और दूसरा नियम जो कि हमने यहाँ लगाया है, यहाँ पे हमने लगाया है भाग का नियम A/B * m बराबर 1/m / B/m होता है बराबर हम इस 4 को 2 * 2 लिख सकते हैं। तो 4 को हम लिखेंगे 2 * 2 * 4 गुणित 3 * 4 गुणित 2 * 6 हम इस 4 को लिखेंगे 2 * 2 * 6 बराबर यहाँ हमने घातांक का नियम 1 * m / n बराबर 1 * m * n का उपयोग किया है। तो 2 का घात घात जब गुणा होंगे तो 2 * 8 गुणित 3 * 4 गुणित 2 * 6 * 2 * 6 = 12।
बराबर 2 का घात 8 गुणित 3 का घात 4 गुणित, यहाँ पे हम भाग का नियम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे भाग में आधार एक है, तो 2 का घात 6 ऋण 12, चूँकि हम जानते हैं कि a का घात m बटा a का घात n बराबर a का घात m ऋण n होता है, बराबर 2 का घात 8 गुणित 3 का घात 4 गुणित 2 का घात 6 ऋण 12 बराबर ऋण 6। आगे हम अगले पृष्ठ में देखते हैं, बराबर 2 का घात 8 गुणित 3 का घात 4 गुणित 2 का घात ऋण 6। अब हम क्रम विनिमय नियम से 2 का घात 8 गुणित 2 का घात ऋण 6 को हम पहले लिखेंगे, गुणित 3 का घात 4 को बाद में लिख लेंगे, बराबर 2 का घात आधार यहाँ पे एक है, तब हम घातों को जोड़ देंगे, तो 8 धन ऋण 6 गुणित 3 का घात 4। यहाँ पे हमने घात गुणा का नियम, घात में गुणा का नियम लगाया है, a का घात m गुणित a का घात n बराबर a का घात m धन n बराबर 2 का घात 8 धन ऋण 6 बराबर 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 का घात 2 गुणित 3 का घात 4, यह उदाहरण का हल होगा। तीसरा, कोष्टक में 6 की घात 2 का घात 4 गुणित 6 का घात 5 बटा 6 का घात 4, हमें ज्ञात करना है 6 का घात 2 का घात 4 गुणित 6 का घात 5 बटा 6 का घात 4 बराबर, यहाँ पे हम 6 का घात 2 का घात 4, यहाँ पे घातों का गुणा होगा, तो ये बनेगा 2 गुणित 4 गुणित 6 का घात 5 बटा 6 का घात 4। यहाँ पे हमने घातों की घात का नियम लगाया है, क्योंकि a का घात m का घात n बराबर a का घात m गुणित n होता है, बराबर 6 का घात 2 चौक 8 गुणित 6 का घात 5 बटा 6 का घात 4 बराबर 6 का घात आधार एक होने पर घात को हम जोड़ेंगे, 8 धन 5 बटा 6 का घात 4, यहाँ पे हमने घात में गुणा का नियम लगाया है, क्योंकि a का घात m गुणित a का घात n बराबर a का घात m धन n होता है, बराबर 6 का घात 8 धन 5 बराबर 13 बटा 6 का घात 4 बराबर, अब यहाँ पे हम घातांक के भाग का नियम लगाएंगे क्योंकि यहाँ आधार एक है,
और ये बटा में है, तो हम लिखेंगे 6 का घात 3 ऋण 4 बराबर 6 का घात 13 ऋण 4 बराबर 9। यह उदाहरण का हल होगा।